again. यार अपन के दिल में लड़कियों के लिए जितनी जगह है, काश अपन के घर में भी होती। जॉन का ड्राइवर है साला, अपन को बिल्कुल पसंद नहीं है। तेरा वाइटर तो पिटे जा रहा है। अबे जैसा दिखता है ना वैसा हमेशा होता नहीं। रेड अभी भी स्ट्रॉन्ग है। इस खेल को आप लोग हॉर्स रेसिंग समझो। जो भी गरीब फाइटर अपन रिक्रूट करता है उसको इधर लड़ने का मौका मिलता है। लोग फिर फेवरेट पे पैसे लगा दे और एक बार उनकी बैट लग गई तो समझो उनकी लग गई। वो अब उसके रिब्स पर अटैक करेगा, विजन कॉम्प्रोमाइज करेगा। देखें, जैसे आप जानते हैं आज यहाँ गणपत मूवी की स्क्रीनिंग हो रही है। इट्स गुड कि आपके पास रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ हैं। जो सिनेमा है, इट्स अ काइंड ऑफ मेंटल डिस्ट्रेसर है। आपको काफ़ी जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस होते हैं जब आप कोई मूवीज़ देखते हैं, कोई अच्छी मूवीज़ जो होती हैं जिनमें कोई इंस्पिरेशन होती है या जिसमें कोई मैसेज होती है, तो यू जो आपका यूथ है या जो आपके लोग हैं उसे देख के मैसेज लेते हैं और फिर वो अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करते हैं। चाहे वो मंशियात के खिलाफ हो, चाहे वो किसी और सोसाइटल प्रॉब्लम के खिलाफ हो, डावरी के खिलाफ हो, तो हमारा जो बॉलीवुड या हॉलीवुड है वो इसी चीज़ पे यूजुअली अपनी मूवीज़ बनाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मूवीज़ बनती हैं वो बनती हैं कॉमेडी पे। तो अगेन उससे भी एक क्या होता है, आपका जो आज के टाइम में जो स्ट्रेस है, जो आपके लेवल्स हैं, वो इन मूवीज़ के दो दो ढाई घंटे का होता है, उसमें यू गेट टू गेट ईज आउट। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव और जो इसको आज फिर से रिजुविनेट किया गया है, मैं इसको बोलूँगा कि ये ऑलरेडी यहाँ इनॉग्रेटेड है और हमारे एलजी साहब की सदारत में और जो हमारे यूनियन टेरिटरी के चीफ सेक्रेटरी साहब और मैडम आयुषी जो उनकी डायरेक्शंस पे आज फिर हमने इसको यहाँ पे अगेन रीओपन किया है। तो लोगों से दरख्वास्त है कि आप अपने फ्री टाइम में सैटरडेज संडेज आएँ, अपनी फैमिलीज के साथ एंजॉय करें मूवीज़ को, नई नई मूवीज़ जो यहाँ स्क्रीन होंगी फ्रॉम द जेके जादूज। तो इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ टू सी द न्यू थिंग्स। नहीं, ये जो हमारा एक एमओयू साइन है जाडू सिनेमा, जो हिंदुस्तान की एक बड़ी आउटसोर्सिंग कंपनी है जाडू सिनेमा का, जो अभी हमने आउटसोर्स किया था पिछले साल जब मैं चेयरमैन था यहाँ म्यूनिसिपैलिटी में, और हमने एक एमओयू इनसे साइन किया है क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ कुछ था ही नहीं। 90 के बाद तो अब लोग फोन पर देख रहे थे और एक अच्छा साधन है और एक मल्टीपर्पज हॉल है। इसमें कोई भी एक्टिविटी आप इसके बगैर भी सिनेमा, अगर किसी को पिक्चर, अगर कोई मीटिंग करनी है वो भी कर सकता है, अगर कोई अपना ड्रामा अपनी पिक्चर भी बना सकते हो तो वो भी चला सकते हैं। ये जाडूज जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है यहाँ, इनके यहाँ बंदे हैं और ये अच्छा काम कर रहे हैं। और ये हॉल भी इन्होंने बड़ा खूबसूरत बनाया है, 1 करोड़ रुपया इन्होंने इसमें लगाया है। हॉल तो हमारा था म्यूनिसिपलिटी का और इसमें इन्होंने 1 करोड़ रुपया लगाया, बड़ा खूबसूरत हॉल बनाया है इन लोगों ने, आपने भी देखा अभी। तो ये चीजें तो होती रहेगी नॉर्मल सी में, तो ये एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, पढ़ाई भी होनी चाहिए, खेल कूद भी होना चाहिए, और ये तो कोई डकी छुपी बात नहीं है, ठीक बात है, अच्छा है। लोग एंटरटेनमेंट भी करेंगे, दिन में काम करेंगे, ऑफिस जाएंगे, बाकी काम करेंगे, मजदूरी करेंगे, बाग में जाएंगे, एंटरटेनमेंट के लिए 1-2 घंटे तो होने ही चाहिए, ठीक बात है, बहुत अच्छा।